ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जबरदस्त जश्न, हार्बर ब्रिज के ऊपर शानदार आतिशबाजी की गई। न्यूजीलैंड में सुनाई पड़ी हैप्पी न्यू ईयर की गूंज, ऑकलैंड में 328 मीटर की ऊंचाई वाले स्काई टावर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। सिडनी में आतिशबाजी देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे, लेजर शो के जरिए झरने जैसी आकृति बनाई गई। नए साल के मौके पर यूएई में रहा जश्न का माहौल, बड़े लाइट शो का आयोजन किया सेलिब्रेशन, लोगों ने किया डीजे पर जमकर डांस। मुंबई में नए साल की धूम, लोगों ने शानदार जश्न के साथ नए साल का स्वागत किया। उत्तराखंड के मसूरी में नए साल के जश्न में डूबे लोग, जोरदार तरीके से किया गया नए साल का स्वागत। मुंबई में जुहू बीच पर नए साल का जश्न, लोगों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस, ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें धूमधाम से किया गया नए साल का स्वागत, नए साल पर उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली में इंडिया गेट पर भी दिखी नए साल की धूम, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल का जोरदार स्वागत, लोगों में दिखा नए साल को लेकर खासा उत्साह। यूपी के गाजियाबाद में भी दिखा नए साल का जश्न, लोगों में दिखा भारी उत्साह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शानदार जश्न के साथ नए साल का स्वागत, जश्न में झूमते दिखे लोग। आगरा में ताजमहल पर नए साल को लेकर दिखा लोगों में उत्साह, ताजमहल के पास दिखी लोगों की कतार। राजस्थान के जैसलमेर में नए साल पर दिखा पर्यटकों में उत्साह, जैसलमेर में पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आई। राजस्थान के जोधपुर में नए साल पर पर्यटकों की भीड़, बड़ी संख्या में विदेश से भी आए हैं पर्यटक। नए साल पर लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, नजफगढ़ में पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा घाट पर मां की आरती, दिखी लोगों की भीड़। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, आरती के दौरान भक्तों की कतार दिखी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़, भगवान वेंकटेश्वर की आरती में हुए शामिल। दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नए साल पर उमड़ी लोगों की भीड़, भस्म आरती देखने के लिए लोगों की भीड़। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों की भीड़ नजर आई, मंदिर में दिखी लोगों की कतार। मध्य प्रदेश में आगर में बगलामुखी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, मंदिर के बाहर लगी भक्तों की कतार। नए साल पर बिहार के अररिया बायोडायवर्सिटी पार्क में भीड़ की आशंका को लेकर एसपी अशोक कुमार सिंह ने किया दौरा, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रात 1:19 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.8 की तीव्रता का रहा भूकंप। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग, बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया, टेस्टिंग के साथ बूस्टर डोज लेने पर फोकस किया गया। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले मुझे भारत चीन सीमा की चिंता नहीं, 1 इंच जमीन पर भी कब्जा संभव नहीं है। चीन में कोरोना से मची तबाही, मेट्रो के अंदर बैठे लोग बेसुध नजर आए। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर के साथ नए साल का आगाज, दिल्ली में छाया रहेगा घना कोहरा, 6 जनवरी तक के लिए येलो अलर्ट जारी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में सुधार, परिवार के करीबी ने दी जानकारी, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर किया जाएगा फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को बताया अपना गुरु, कहा मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ है माहौल, कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी। हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, गरीब व्यक्ति की मजबूरी होती है टी शर्ट पहनना, अगर गुरु ही मानते हैं तो नागपुर चलकर ध्वज को प्रणाम करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पद की रेस में होने से एक बार फिर इनकार, कहा 2024 के लिए चल रही है सभी दलों से बातचीत।
तरन तारण हमले में शामिल चार और आरोपी गिरफ्तार। 315 बोर राइफल और 32 बोर एयरगन भी बरामद। साल 2022 में कश्मीर में कुल 93 जगहों पर हुई मुठभेड़, कुल 186 आतंकी मारे गए, डीजीपी ने जानकारी दी। साल 2022 में एनआईए ने रिकॉर्ड 73 केस दर्ज किए, कुल 456 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध आतंकी अजहरुद्दीन को किया गिरफ्तार, आतंकी संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे आतंकी। आगरा में 1,37,00,000 लेकर फरार हुए कर्मचारी की घटना का खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 85,00,000 रुपए बरामद। 2022 के आखिरी दिन बाराबंकी में भयानक हादसा, कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस नेताओं की दिल्ली पुलिस के साथ बैठक, पुलिस ने राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया। बिहार में 5 जनवरी से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा में होंगे शामिल। सुनील शाह आत्महत्या मामले में पुलिस ने श्रीशान के व्हाट्सएप चैट की जांच की, डिलीट किए हुए चैट को रिट्रीव करने की कर रही है कोशिश। राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, सीमा पार से अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भारत दर्शन पार्क फेज 2 का किया शिलान्यास, उपराज्यपाल ने नगर निगम की सराहना की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नजफगढ़ ड्रेन को लेकर भारत नगर इलाके का दौरा किया, ड्रेन की सफाई जल्द कराने का वादा किया। बिहार के वैशाली में बिजली विभाग के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मृतक के परिवार से की मुलाकात, जल्द न्याय दिलाने का वादा किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मनरेगा भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई, जिला न्यायालय ने 23 लोगों को 7 साल जेल की सजा सुनाई। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर कार से खतरनाक स्टंट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, पुलिस ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में बच्चों को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में जमीन को लेकर विवाद, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, महिला समेत 3 लोग घायल हुए। यूपी के फर्रुखाबाद में शराब की दुकान पर जमकर हुआ विवाद, कई लोग घायल हुए। यूपी के गाजियाबाद में 2 पक्षों में खूब हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के वसई में महिला समेत 4 बच्चों की हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हत्या करने के 28 साल बाद गिरफ्तार किया गया आरोपी। दिल्ली के वजीराबाद में गंदगी से परेशान है लोग, कूड़ा ना उठाने को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। यूपी के झांसी में शख्स ने महिला को बुरी तरह से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के कोटा में कार में लगी भीषण आग, टोल कर्मियों ने बचाई कार में बैठे लोगों की जान। राजस्थान के अलवर में 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग, 2 लोगों को गोली लगी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। जयपुर के शाहपुरा में बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई की है, बुरी तरह घायल हुआ युवक, अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, मामले में जारी है पूछताछ। राजस्थान के सुरौठ में पीने के पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। बिहार के वैशाली में नए साल को लेकर अलर्ट पर उत्पाद विभाग, अवैध शराब को लेकर की गई पेट्रोलिंग। बिहार के वैशाली में महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड के बोकारो में युवती का अपहरण, बदमाशों ने 15,00,000 की फिरौती की मांग की, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के सुपौल में चोरों ने बीडीओ की कार चुराई, सीसीटीवी के आधार पर जारी है मामले की जांच।
बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक शख्स को मारी गोली, गोली लगने से शख्स की हालत गंभीर। बिहार के सुपौल में कोसी नदी में डूबने से युवक की मौत, पांव फिसलने के बाद नदी में डूबा युवक। ग्वालियर किले में मिला छात्र का कंकाल, 4 महीने पहले खाई में गिरने से हुई थी छात्र की मौत। आजमगढ़ में चौकी प्रभारी पर आर्किटेक्ट की हत्या का आरोप, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में मिला 8 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया सांप का रेस्क्यू, सांप को जंगल में छोड़ा गया। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने पीट पीट कर की शख्स की हत्या, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने कार चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने चोरी की 6 कार बरामद की। यूपी के इटावा में मस्जिद में लगी आग, अज्ञात कारणों से लगी आग, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के उन्नाव में युवती की मौत के बाद सड़क पर शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन, युवती के परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया मामला। यूपी के आगरा में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार बरामद किए। हरियाणा के सोनीपत में दुकान में लगी भीषण आग, जला लाखों का सामान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नासिर से जुड़े, 5,000 करोड़ रुपए में हुई डील। आज होगी बीसीसीआई की समीक्षा बैठक, दोपहर 12 बजे शुरू होगी बैठक, T20 विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर होगी बात। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।